साथियों मैं उस सिस्टम का हिस्सा बन गया हूँ जिस सिस्टम में लगभग 90-95% आरक्षण रहा है। आज जिन लोगों की आंखों में 72% खटक रहा है उन्हें 90%, 92%, 95% पे पहले विचार करना चाहिए। और बहुत सारी संस्थाएं अभी भी हैं जो 100% उनके कब्जे में है। आप वहां ना दाखिला ले सकते हैं, ना अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना शोध करवा सकते हैं, ना ये पेपर प्रस्तुत करवा सकते हैं। इवेंट सेमिनार छोटी छोटी जगहों पर सेमिनार करवाने से लेकर के फंड देने से लेकर के कितनी सारी शाखाएं हैं। आप जानते हैं किसी का विकास एक विद्यार्थी का तब होता है जब वो बीच बीच में शोध पत्र पढ़ता है, किताबें लिखता है, रिसर्च करता है। ICCR या बड़ी बड़ी संस्थाएं उसे फंड देती है। यहाँ ये हालत है कि साल में अगर 10 फंड रिलीज होगा तो 9.5 उनको जाता है, कोई आधा मिलता है वो भी अनुकंपा के आधार पर। तो आप इन चीजों को पहले से समझिए, ये पूरी तरह से प्रायोगिक कार्यक्रम का हिस्सा है। हम लोग इसके शिकार रहे हैं, हम लोग उसका हिस्सा होकर के लड़े हैं। ये अलग बात है कि जमीन बनी हुई थी हमारे लिए, बड़ी सहूलियत थी। मैं ताजुब करता हूं अनिल जैन सर जैसे या उन लोगों का जो हमसे पहले यूनिवर्सिटी में आए थे। उन लोगों को तो नारा नहीं लगाने दिया जाता था। आज तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन मना लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मना लेते हैं, रामस्वरूप वर्मा का जन्मदिन मना लेते हैं, हॉस्टल्स में लोगों को बुलाकर के मीटिंग कर लेते हैं ओबीसी के विषय पर। एक दौर था जब वहां नाम नहीं ले सकते थे। मंडल कमीशन का विरोध भी जिन लोगों ने समर्थन में धरना दिया था उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने शिक्षकों को मारा। आप इतिहास पता करके देख लीजिए कितनी बुरी हालत रही है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये जो 72% जिनको खटक रहा है वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले, उसके बाद दूसरे की बात करें, उसके बाद दूसरे पर सवालिया निशान उठाएं। कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई दल, कोई संस्था खोज के वो हमें दिखा दे जहां वो 70% से ऊपर ना हो। नहीं होंगे तो 72 वापस हो जाएगा, लेकिन ये तब जब वो 70 से ऊपर नहीं होंगे। जो 27% या 49-49% जो हमें मिला है उसमें आज तक हम लोग 13-14-15% से ऊपर नहीं गए हैं। ये 3-4 महीने पहले का सरकार का आंकड़ा है, पार्लियामेंट में बकायदे प्रेजेंट किया गया था। आप देख लीजिए कि हमारी जो भागीदारी है वो कितना कम है। आबादी के आधार पर तो कुछ नहीं है। और हम लोगों को भी किसी ने अगर दिलवाया है, किसी ने सपोर्ट किया है तो इसलिए नहीं कि हमें नौकरी चाहिए, इसलिए कि उनको लगता है कि ओबीसी पर तो ओबीसी को ही रखना है, एससी पर तो एससी को ही रखना, वो मजबूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कदम हमारे सीएम साहब ने उठाया है ये सिर्फ कदम नहीं है, एक लहर है। आप सब समर्थन करें इसे, हमें आवाज मंडल आंदोलन की तरह से एक आवाज में बदलना होगा। जितना बड़ा ये बनेगा उतना ज्यादा हम लोग समर्थ होंगे, उतना ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी, आप सक्षम होंगे चीजों को करने में। और अगर ये नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो आप समझ लेना आगे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है ये इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये लोग रोज आरक्षण की समीक्षा करने के लिए कमेटियां बना रहे हैं, इतिहास पुनः लिख रहे हैं, और देख लेना उसमें क्या लिखा जाएगा। ये आपसे छुपाने जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सारी चीजों को सब लोग जानते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, स्कूल कॉलेज जहां जहां जिन जिन संस्थानों में आप जगा सकते हैं बच्चों को, युवाओं को, शिक्षकों को, आप सपोर्ट करिए, मार्गदर्शन करिए, जो आपका अनुभव है वो हमें बांटिए। जितना ज्यादा बेहतर हो सकेगा हम लोग उसको लड़ेंगे। हम लोग नौकरी बचाने के लिए यहाँ नहीं काम कर रहे, हम लोग लड़ने के लिए काम कर रहे। नौकरी देनी भी वही तो दे देंगे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना है। जातीय जनगणना एक बड़ा सवाल है और वो होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो कोशिश हमें करनी पड़े, जितने बड़े पैमाने पर करना पड़े, ये हमें करना है। एक बस छोटी सी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुजनों, जो बहुजन लोग हैं वो मीडिया में बहुत पीछे हैं, इसलिए जो हमारे पूंजीपति हैं, जो सामर्थ्य लोग हैं वो आगे नहीं आते। ये जो छोटे छोटे प्रेस चलाने वाले लोग हैं, आप सबसे गुजारिश है YouTube से लेके इधर उधर आपको मिल जाएंगे, आप उनका समर्थन करिए, आप उन्हें सहयोग करिए, उनको आप पढ़िए, उनको फॉलो करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनको 50 रुपए में आप शेयर करिए, इससे उन्हें विज्ञापन मिलेगा और अपने आप उनका मीडिया बढ़ेगा और आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।